स्वागत है आपका। आज मैं आपको 2 ईयर बेबी के लिए शरारा गरारा की कटिंग करना बताऊंगी। ये मैंने कुर्ता लिया है, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 2 इंच पे हम इसका नेक का वृत्त लेंगे, शोल्डर लेंगे हम यहाँ पे 4.5 इंच पे, आर्म होल की लेंथ लेंगे हम 4.5 इंच पे, चेस्ट लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच पे या 6.5 इंच भी कर सकते हैं। चार इंच पे हमने कमर डाला और 4 इंच पे हमने हिप का नाप लिया। 6 इंच पे कमर ली और हिप लगाया 6.5 इंच पे। इन तीनों निशानों को हम मिला देंगे तरीके से। यहाँ से हम इसे आर्म होल की शेप देंगे। पीछे का गला 2 इंच पे आएगा और आगे की गले की लंबाई होगी 3 इंच पे। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कुर्ते की कटिंग कर ली है। इस कुर्ते की लंबाई हमारी 19 इंच है, 18 इंच है। कुर्ते की कटिंग हो गई है, इसके 2 पल्ले निकल के आ गए हैं। ये हम शरारे की कटिंग करेंगे। इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ फिर 2 इंच के हम बेल्ट के लिए रखते हैं। इसमें कपड़ा कम है तो 2 इंच में इस पर बेल्ट के लिए कपड़ा ऐड करूँगी। इस पर हमें कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पर कपड़ा कम है, तो 2 इंच हम यहाँ पे बेल्ट के लिए छोड़ेंगे। यहाँ से कमर लेंगे हम 6 इंच पे। ये 2 इंच हम ऊपर बेल्ट के लिए रखेंगे। 6 इंच पे मैंने इसकी कमर ली है। नीचे आसन के लिए लेंगे हम यहाँ पे 7 इंच पे हमने आसन लिया है। इस पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्रॉच एरिया के लिए। इस तरीके से इसे घुमाएंगे। यहाँ से हम इसकी गोलाई लेंगे 6 इंच पे, तरीके से इसे ऐसे मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और नीचे जो हमने इस पर चुन्नटी डालनी है हम इस तरीके से लेंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। इसकी ये पूरा 28 इंच है, हमने फोल्ड कर दिया है 4 फोल्ड। और इसकी लेंथ है 9.5 इंच, तो 1 इंच नीचे फोल्ड में जाएगी और आधा 1 इंच यहाँ पे जॉइंट होने में जाएगी। और इतना इसका ये डबल या ट्रिपल ले सकते हैं हम। इस पर हमें कुछ नहीं करना है, इसकी तो ये तो सेम है। इसको हम आपको स्टिच करना बताएंगे, इसे कैसे स्टिच करेंगे। ये इसके चुन्नटें आएंगी, मैं कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आपको मैं इसको सिल के बताऊंगी। दोनों पल्लों को स्टिच करेंगे। ये फ्रंट का पल्ला है, इस पर मैंने पट्टी लगाई है और ये बैक का पल्ला है। इस पर हम 2 इंच पे हुक के लिए पट्टी के लिए कट करेंगे। और 2 इंच हमने इस पर कपड़ा लिया है, उस पर कट लगाइए। इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इससे सिलाई लगाएंगे।
करके सिलाई लगाने के बाद। हम इसे पीछे की ओर पलट के फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। फिर देखिए इस तरीके से मैंने इसे पलट दिया है। अब हमें दोनों पल्लों को अटैच करना है। अब मैं इन दोनों पल्लों की कंधियों को जोड़ के दिखाती हूँ। दोनों कंधियाँ अटैच हो गई हैं। अब हमने इस पर पट्टी लगानी है, यहाँ से लेके पूरे इधर से घुमा के मैं यहाँ तक पट्टी को लेके आना है। अब आपको मैं पट्टी लगा के बताऊंगी। इस तरीके से पट्टी अटैच हो गई है। इसके हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ऐसे अंदर की ओर मोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है, इस तरीके से इसे अंदर की ओर घुमा के हमें ऊपर को सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पूरे पे हमने पट्टी लगा दी है। तरीके से हमने पूरे गले पे पट्टी लगा ली है। अब हमें आर्म होल पे पट्टी लगाएंगे, फिर हम उस पर फ्रिल वाली बाजू अटैच करेंगे। इस पर हमने पूरी पट्टी लगानी है। इसके लिए मैंने तिरछी पट्टी काट के रखी है। ये तिरछी पट्टी है, इसे यहाँ से हमने यहाँ तक ज्वाइन करना है। तरीके से मैंने पट्टी अटैच कर ली है। इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करके इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने इस पर पूरे पे सिलाई लगाई। इस तरीके से पट्टी अटैच हो गई है। अब मुझे इस पर स्लीव लगानी है, तो मैं इसके लिए फ्रिल बनाऊंगी। मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, इसे हम डबल करेंगे और इस पर हम एक सिलाई मार सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस पर फ्रिल बना रही हूँ। पूरी हमें फ्रिल बनानी है। इस तरीके से स्लीव्स को हमने इस तरफ मोड़ के सिलाई लगा दी है। अब इस पर हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल मेरी 12 इंच की तैयार है। 12 इंच मैंने फ्रिल तैयार की है। इस पर 12 इंच के हमने छः इंच इस साइड को, दोनों साइड को। यहाँ से हमने फ्रिल अटैच करना है, स्टार्ट करना है इस पर। यहाँ से इस तरीके से यहाँ से हम इसको फ्रिल अटैच करेंगे।
आधे तक हमें ये फ्रिलेट टेंशन नहीं है, आधे से ये खुला रहेगा थोड़ा नीचे को इस तरीके से। इस तरीके से आएगा ये, इसी तरह हमने दूसरी फ्रिल भी दूसरे बाजू पर अटैच करके दिखाएंगे आपको। इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने ये बाजू अटैच कर ली है, ये दोनों साइड अटैच हो गई है बाजू। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, दोनों साइड इसकी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम इसके पल्ले को फोल्ड करेंगे। तरीके से हमने पल्ले और चाक सारे फोल्ड करके सिलाई लगा लिए, सभी को फोल्ड कर लिया है। शरारे के लिए हमने नीचे की चुन्नट तैयार करी है, नीचे से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, इस पर मुंजी आएंगी। ये दोनों मैंने नीचे से फोल्ड कर लिए हैं। ये हमारा क्रॉस एरिया, ये ऊपर का पार्ट है, इस पर मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है। ऊपर मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था तो हमने इस पर एक्स्ट्रा कपड़ा अटैच किया है। इस आसन पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी साइड भी इस तरफ आसन पे सिलाई लगा दूंगी। इतना ऊपर का हिस्सा हमने नाड़ी के लिए छोड़ना है, यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से इलास्टिक डालने तैयार हो गया है। अब हमें इसमें चुन्नट डालनी है। इसलिए मैं इसे बारीक बारीक प्लेट डालूंगी। ये चुन्नट ले तैयार करेंगे। तरीके से तैयार हो गए हैं, इसे हम इस पर अटैच करेंगे। इस साइड को इस तरह करेंगे। सीधी साइड, दोनों को सीधी साइड रख के इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया है। आप चाहे तो इस पर लेस भी लगा सकती हैं। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ तैयार कर लिया है। अब इस पर मैं बीच की सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से हम इस पर ये सिलाई लगाएंगे बीच की। यहाँ से लेके हमें स्टार्ट करना है और यहाँ तक हमें पूरी यहाँ तक लेके जाना है। यहाँ से मैं पूरी सिलाई लगाऊंगी, इस पर डबल सिलाई लगाएंगे हम। इस तरीके से मैंने ये शरारा अटैच कर लिया है पूरा, ये बन के तैयार हो गया है शरारा गरारा। और मैंने इस पर इलास्टिक भी डाल दिए। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इसका कुर्ता तैयार किया है, इस पर बटन लगाए गए हैं। बनने के बाद ये सारा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।